ऑनलाइन कंपनियों को तत्काल बंद कराने की मांग को लेकर भामाशाह भारतीय जन पार्टी का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। वाराणसी, पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से बढ़ रहे खरीदारी से परेशान व्यापारियों के हक की आवाज उठाते हुए सभी ऑनलाइन कंपनियों को तत्काल बंद कराने की मांग को लेकर भामाशाह भारतीय जन पार्टी के कार्यकर्ताओं में प्रदेश अध्यक्ष धीरज गुप्ता के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन सौंपा। यही से आप लोगों के लाइफ भी कराई ली। इस चोरवा का कहता समाज के बेचे का तो काम कई बार कैलान। इस चोरवा का कहता भामाशाह तेली नायन। हम कहती भामाशाह तेली नायन तो का भया। हम कहती भामाशाह कोई भी रहे, भामाशाह भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों की लड़ रही है। अगर जज्बा है तो भामाशाह के साथ में आओ, नहीं तो अपनी दुकानें बंद कर लो। मेरा नाम धीरज कुमार गुप्ता। धीरज जी, बताइए कि क्यों आज यहाँ पे प्रदर्शन हुआ? यह ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि पिछले कई महीनों से किया जा रहा है और ये लगातार किया जाएगा जब तक ऑनलाइन कंपनियाँ बंद नहीं हो जाती हैं। क्या नुकसान हो रहा है ऑनलाइन से? ऑनलाइन कंपनियों से नुकसान देख लीजिए, व्यापारी का व्यापार नुकसान नाश होता जा रहा है। सुबह शटर उठा रहे हैं, शाम को शटर बंद कर दे रहे हैं। व्यापारियों के पास ना दो पैसे आने की कोई अनुमति दिख रहा है। व्यापारी पूंजी लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, उससे ना उसका परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ पैसे आ रहे हैं। जो भी हो रहा है जिसको देख रही है वो ऑनलाइन कंपनियों के जरिए अपने घर पर मंगा ले रहा है, इसलिए व्यापारी बैठा जा रहा है, उसका व्यापार बैठा जा रहा है, जिससे इतनी तंगी आ गई है कि व्यापार में एकदम समझ लीजिए दिवाली आ गया। दिवाली का कोई नवरात्र भी गया, नवरात्र में कोई मतलब कोई दिलचस्पी नहीं रही व्यापारियों से। सबको देखिए, जिसको देखिए वो ऑनलाइन कंपनियों से मंगा रहा है। ऑनलाइन कंपनियों के आने से व्यापारियों की इतना ज़्यादा क्षति हो रही है कि उनको अपना परिवार का खर्चा चलाने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। इसके नाम आपने पत्र दिया माननीय DM वाराणसी के माध्यम से मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने पत्रक दिया। हेलो, अपना नाम ऊपर से बता दें। भामाशाह भारतीय जन पार्टी राष्ट्रीय सचिव संदीप जायसवाल। क्या जुटे हैं, क्या मामला है? आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं ऑनलाइन कंपनी के विरोध में दे रहे हैं। क्या परेशानी है उससे? परेशानी आज ऑनलाइन कंपनी इतनी हावी हो चुकी है मार्केट पे। आज तक त्यौहार का दिन है, अभी हाल ही दिनों में दुर्गा पूजा बीता है, अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, लेकिन आज रोडे खाली है, पूरी रोड खाली है, पूरी दुकान खाली है, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। सभी लोग ऑनलाइन कंपनियों से सामान मंगा ले जा रहे हैं और यह अंधी भरी सरकार ऑनलाइन के विरोध में कुछ आ ही नहीं रही है। सरकार तो सब कुछ कर रही है, लेकिन ये व्यापारियों के कब सुनेगी? व्यापारियों के पक्ष में कब कड़ा एक्शन लेगी? ये ऑनलाइन कंपनियों को क्यों नहीं बंद करा रही है? आज हम लोग का शटर गिरते जा रहा है, बनियों का शटर गिरते जा रहा है, लेकिन अंधी भरी सरकार को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे लेना है एक्शन तो ऑनलाइन कंपनियों के विरोध में लो ना। अरे कुछ नियम निकालना है तो इन कंपनियों के विरोध में निकालो, इनका संशोधन करो, नहीं तो ये तो व्यापार को ख़त्म करते जा रहे हैं, आज बाजारों को ख़त्म करते जा रहे हैं। अभी 3 साल पहले का आप डेटा निकाल के देख लीजिएगा कि दिवाली में क्या हलचल होती थी। आज अभी आपको दिवाली लग रहा है पत्रकार महोदय जी कि दिवाली है? आप लोग बताइए कि सरकार क्या कर रही है, सबके बारे में सोचिए। मांग हमारी ये है कि जितना जल्दी हो सके इस पे एक कानून बने या तो इन लोगों को बंद करें। आज फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो ये सब हावी होते जा रही है मार्केट पे, तो ये सारी कंपनियों को बंद किया जाए या कोई संशोधन निकले। पत्र दिया आप लोग? आज हम लोगों ने वाराणसी में DM के माध्यम माननीय श्री मुख्यमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को हम लोग ने पत्रक दिए हैं।